आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में सोयाबीन की गिरती कीमतों पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा ने केंद्र सरकार से खाद्य तेल पर सीमा शुल्क में धीरे धीरे छूट देने का आग्रह किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में सोपा के अध्यक्ष ने कहा कि हाल के दिनों में केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में कमी सहित विभिन्न नीतिगत पहलों के परिणाम स्वरूप परिणाम हुआ है। वहीं पिछले एक महीने में आयातित और घरेलू दोनों तरह के खाद्य तेलों में 15% से 26% की गिरावट आई है। हालांकि खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भी घरेलू बाजार में सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं बता दें कि पत्र में आगे ये भी कहा गया कि सोयाबीन की कीमतों में गिरावट ने खरीफ तिलहन की बुआई के चरम समय पर सोयाबीन किसानों को एक बहुत ही नकारात्मक संकेत भेजा है। यदि सोयाबीन की कीमतों में मौजूदा गिरावट आगे जारी रहती है तो इसके कारण सोयाबीन की खेती करने वाले कुछ क्षेत्र को अन्य फसलों में स्थानांतरित कर सकता है और ये पिछले 2 वर्षों में अधिक तिलहन उगाने के लिए गति को रोक देगा। इसलिए सोपा अध्यक्ष ने सरकार से समीक्षा करने का आग्रह किया है। खाद्य तेल पर मौजूदा शुल्क संरचना और खाद्य तेल पर सीमा शुल्क में क्रमिक वृद्धि की घोषणा करना जो न केवल किसानों और उपभोक्ताओं के हित में होगा बल्कि सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त करेगा। इधर जानकार मान रहे हैं कि देश में सोयाबीन की कीमतों में 600 प्रति क्विंटल तक की गिरावट आ सकती है। पिछले दिनों इंदौर की मंडी में सोयाबीन की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था। उसके बाद से लगातार इसकी कीमत में गिरावट का दौर देखा जा रहा है। इस गिरावट के आधार पर एक्सपर्ट ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि सोयाबीन की कीमतें 6000 और 6200 रुपए के निचले स्तर पर आ सकती है। वहीं गौरतलब है कि 2024 तक केंद्र सरकार ने 20 से 25 लाख टन क्रूड सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क और कृषि शेष को हटा दिया है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 में आयातित शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि जैसा कि सोपा के अध्यक्ष ने कहा कि सोयाबीन के दाम कम होने से सोयाबीन उत्पादक किसान दूसरी खेती की तरफ रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।